यार मैंने कल एक न्यूज देखी थी और मुझे पता चला कि सीबीयू में खजाना भी है। मैं तेरे को पहले वो न्यूज दिखा दूं फिर तुझे पता चलेगा। तो भाई मैंने अपनी M24 पकड़ ली और अभी मैं मारने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार 2-3 दिनों से कराची का मौसम बड़ा स्मैक्सी हो रहा था। पहले मैं तुम लोगों को मौसम चेक करवाता हूँ। ये कुछ इस तरह का मौसम है। तो मैंने बोला यार क्यों ना कराची में रहते हैं, उसका फायदा उठाते, तो हम सीबीयू जाते हैं। तो पहले सीन ही होगा तो मैं अपने दोस्तों को पहले पिक करूंगा, फिर उनके साथ हम लोग डायरेक्ट सीबीयू जाते हैं। तो भाई बड़ा मजा आने वाला है, व्लॉग को पूरा देखना। चलो भाई चलते अपनी लोकेशन पे। यार मैं निकल गया और मेरा दोस्त भी वेट कर रहा होगा, तो पहले उसको पिक करते हैं फिर चलते हैं। यार मैंने अपने एक दोस्त को तो पिक कर लिया, वो रहा और आ रहा है, वो रहा भाई भाई चले अभी। इससे पहले हमने अपनी लैम्बर्गिनी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो पहले वो डलवा दे फिर चलते हैं। मुझे ये बताओ कितने का पेट्रोल डलवाए? 8 तक का बोल रहा है। 5-6 लाख का डलवा लेते हैं। भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं सीबीयू। तो भाई फाइनली अभी हम आ चुके हैं सीबीयू। अभी मैं आज इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमने अभी अपने ट्राइपॉड को ही ड्रोन शॉट बना लिया था ऐसे करके। यार मेरे दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं इनमें से एक भी गुब्बारा नहीं फाड़ पाऊंगा, तो मैंने इसको अभी गलत साबित करना। आज भाई चेक करते मेरे अंदर कितनी ताकत है। भाई मैंने अपनी M24 पकड़ ली और अभी मैं मारने जा रहा हूँ। भाड़ भी मैं पानी की तरफ आ चुका हूँ, वो रहा सामने पानी और बहुत दूर है वो अभी भी। ऐसा लग रहा है कि करीब है लेकिन बहुत दूर है और रश भी बहुत है यार। तो भाई पानी की साइड आ चुके हैं, ज्यादा आगे नहीं जा सकता, फिर पांव सारे वो यानी गीले गीले और मैंने शॉर्ट भी पहना हुआ है। यार मैंने कल एक न्यूज देखी थी और मुझे पता चला कि सीबीयू में खजाना भी है। सीबीयू में खजाना कहाँ से आ गया? अबे है, मैं तेरे को पहले वो न्यूज दिखा दूं फिर तुझे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा चौधरी। आप आम खबर से आगाह करते चले कि कराची सीबीयू में खजाना पाया गया और काफी लोग उसकी तलाश में निकल चुके हैं। आप भी अपना वक्त जाया ना करें और कराची सीबीयू में खजाना ढूंढे, क्या पता वो खजाना आपके हाथ लग जाए। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारी मूंछें क्यों निकल रही है यार? नकली है ना? हाँ देख ली भाई। भाई बिना टाइम वेस्ट किए आओ खजाना ढूंढते हैं। यार खजाना मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता, इसके लिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया। तो ये ना मेरा दोस्त है, वो यार आज वही खजाना का पैसा ही पैसा हो गया। अबे इतना बड़ा सीबीयू है, खजाना ढूंढेंगे कहाँ पे? आगे जाके। अबे आगे पानी में कोई खजाना होता है यार। एक काम करते तू उधर जा, मैं इधर जाता। चलो भाई चलो चलो। तो यार चाची के पास चलते हैं, मुझे लगता है कि उनको पता होगा खजाना कहाँ है। यार चाचा आपने खजाना देखा है इधर भी? खजाना नहीं है इधर। यार खजाना तो है ही नहीं इधर यार। मैं यार कहाँ मिलेगा यार ये खजाना? वो चाचा बैठे उनके पास पूछते। अंकल आपने इधर कहीं खजाना देखा है? नहीं देखा। अबे यार ये खजाना है का यार? मुझे लगता है यार ये न्यूज फेक है यार। अपने दोस्त के पास चलते हैं, देखते हैं उसको खजाना मिला या नहीं। मैं कहाँ गया इतने बड़े सीवी में, कहाँ ढूंढू? यहाँ पे भी नहीं है। ये रहा भाई, तुझे खजाना मिला तो अभी तक ढूंढा है? अबे अबे मुझे लगता है। तो यार हम लोग थक हार के अब घर जा रहे हैं, खजाना तो हमें मिला ही नहीं, हमने बहुत ज्यादा टूटा। तो यार खजाना तो मिला नहीं लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी लैम्बर्गिनी में। अगले व्लॉग में मैं तुम लोग को अपनी लैम्बर्गिनी भी रिवील करूंगा, वो बहुत मजे की, वो देखना जरूर। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को ड्रॉप किया और मैं भी घर पहुंच गया। तो यार ये वाला व्लॉग थोड़ा डिफरेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।